दुर्भाग्य से डर्बन में अभी भी बारिश हो रही है। हालात निराशाजनक दिख रहे हैं, लेकिन प्रशंसकों को मैच होने की उम्मीद है। लगातार ओवर कट रहे हैं, अब देखना है कि अंपायर क्या फैसला लेते हैं। डर्बन में बारिश तेज हो गई है, इस कारण अब टॉस भी नहीं हो पाया। दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हैं। बारिश के कारण ऐसा लग रहा था काफ़ी ओवर कटेंगे, लेकिन डर्बन में अभी बहुत तगड़ी से बारिश होने लगी। डर्बन से अब तक कोई भी अच्छी खबर नहीं आई। वहां बारिश हो रही है और पिच पर कवर्स हैं। बारिश रुकने और मैदान के सूखने के बाद ही टॉस किया जाएगा, क्योंकि भारत T20 सीरीज के लिए 17 खिलाड़ियों को लेकर गया है और उनमें से केवल 3 श्रेयस अय्यर, मुकेश कुमार और ईशान किशन 50 ओवर प्रारूप का भी हिस्सा हैं। लेकिन टीम के सामने कई मुश्किलें मुद्दे होंगे, जिसमें सलामी बल्लेबाज और तीसरे नंबर के बल्लेबाज को पिछले T20 विश्व कप में भारत के लिए अभिशाप रही रक्षात्मक होने की प्रवृत्ति को बदलना होगा। कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम ने वनडे विश्व कप के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर में T20 सीरीज 4-1 से जीती थी। और दोस्तों हम बता दें आपको कि अब युवा टीम लगातार दूसरी T20 सीरीज जीतने के इरादे से उतरेगी। चोटिल कप्तान हार्दिक पांड्या आईपीएल से बाहर हैं और मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी। इसके अलावा और सभी लोग को लिया जाएगा। जून में होने वाले T20 विश्व कप से पहले विराट कोहली और रोहित शर्मा T20 भविष्य को लेकर अस्पष्टता नहीं है, तो कोई भी दक्षिण अफ्रीका में टीम की सफलता या विफलता के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएगा।